आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सिलेक्ट नो एरर। तो दोस्तों, सिंपली ये हमें एरर का क्वेश्चन गिवन है, जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमें उस स्टेटमेंट के किस पार्ट में एरर है ये बताना है। आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड डूइंग एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंडोरफिन्स और लास्ट एंड नो एरर। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए यहाँ पर अगर बात करी जाए द की, द तो द जो है दोस्तों, द कहाँ यूज होता है? इट इज यूज बिफोर सिंगुलर या प्लूरल नाउन में पहले इसका यूज होता है। प्लूरल नाउन व्हेन नाउन इज स्पेसिफिक, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। व्हेन नाउन इज स्पेसिफिक। अब दोस्तों, यहाँ जो द का यूज हुआ है, किससे पहले हुआ है? यूज ऑफ द बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ एंडोरफिन्स। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक यूज हुआ है। किसी भी तरीके का कोई भी एरर इस स्टेटमेंट में नहीं है। जब कोई एरर नहीं है तो हम लगा देंगे ऑप्शन 4, दैट इज नो एरर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।